असी गए इशारे कर ही आते इनको जब जब इशारा होता है ये रोड पर आ जाते हैं। हमने किसी तहरीक लबैक पाकिस्तान किसी के इशारे पर नहीं चलती, ना तहरीक लबैक पाकिस्तान किसी सोशलिज्म के इशारे पे चलती है, ना किसी कम्युनिज्म के इशारे पे चलती है, ना किसी लिबरलिज्म के इशारे पे चलती है। तहरीक लबैक पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ मदीने के ताजदार की सिर के सहारे पे चलती है। तो मैं परसों भी है और सांगले की गल सुनाई थी, अज तो 30-35 साल पहले याद नहीं, शायद 17 मरतबा मैं जेल गया। हाफिज साहब पहली मरतबा जेल तो बड़ी औखी जेल थी, बड़ी मुश्किल थी और मेरे खतरा से मैं पता नहीं क्यों होगा, लेकिन हाफिज साहब ने जिस जवाब मैं खुशामद नहीं कर रहा इस तरह की मेरा अमीर मैं ताज जुमला कह रहा, हाफिज साहब ने जिस जवाब मर्जी का सबूत दिता ना वो बड़े बड़े उसे जाकर डोल जाते हैं, बड़े बड़े डोल जाते हैं। अमीर साहब भी पूरे आवे ने कुफर सारे दसे ना बिकने वाले हैं ना झुकने वाले हैं, जैसी गए वाले इशारे कर ही आते इनको जब जब इशारा होता है ये रोड पर आ जाते हैं। हमने किसी तहरीक लबैक पाकिस्तान किसी के इशारे पर नहीं चलती, ना तहरीक लबैक पाकिस्तान किसी सोशलिज्म के इशारे पे चलती है, ना किसी कम्युनिज्म के इशारे पे चलती है, ना किसी लिबरलिज्म के इशारे पे चलती है। तहरीक लबैक पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ मदीने के ताजदार की सिर के सहारे पे चलती है। तो मैं परसों भी है और सांगले की गल सुनाई थी, अज तो 30-35 साल पहले मैं शेखूपुर तो बैठ के ना बस से जा रहा सांगले तरफ, बस से बैठा था रस्ते ना एक बड़ा कठिन जहा मोड़ है वो दरमियान चो रेलवे लाइन गुजरती है, बस आए ड्राइवर ने शोर पाता अगे एक साइकिल जा रहा सी बुजुर्ग आदमी सवारियां बस सन ड्राइवर ले जा रहे बस में, ड्राइवर ने यकदम शोर पाता बंदा मर गया बंदा मर गया बंदा मर गया बंदा मर गया। वो अभी सारे हैरान, भाई बंदा किधर मर गया, इनू की हो गया, पागल हो गया, इसका दिमाग खराब हो गया, इनू की मसला बन गया, बंदा मर गया बंदा मर गया, ये की वो आखिर जनाब बस वजी साइकिल बंदा थले आ गया, क्योंकि वो ड्राइवर सी उन्हें ब्रेक मारी होगी तो ब्रेक स्लिप कर गई, उन्होंने पहले ही पता सी क्योंकि वो ड्राइवर सी गड्डी चला रहा सी, उन्होंने पता नहीं क्योंकि गड्डी रफ्तार जा रही है बंदा साइकिल से लगे गड्डी वजनी वजनी हारन भी कम नहीं कर रहा तो बंदा थले आना बंदा मर जाना, उन्होंने पहले ही पता चल गया तो वाकई बंदा थले आ गया बंदा मर गया। तो जी यह गल है ना जी कि किवे आएगा तो किस तरह आएगा, भाई तहरीक लबैक पाकिस्तान को ड्राइव हम करते हैं, ड्राइव हम करते हैं, हमें नजर आ रहा है ना तई आया ना बल्ला आया ना गिद्दड़ आया ना शेर आया, आया 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 तीर आ रहा है और कायनात की कोई ताकत तहरीक लबैक पाकिस्तान का और तीन का रास्ता रोक नहीं सकती, नहीं रोक सकते, तीन नबी अलैहिस्सलाम के तक पर आ रहा है। एक खिता वैसे भी 100 साल नहीं करता, इतने कतलो गारत होती है खून रेजी होती है इनकलाबात आते हैं, या हम तो 76 साल एक महीना के गल बल 10 दिन हो गए हल्की तारीख है चूल्हा बच्ची 26 हो गई 12 दिन हो गए एक महीना 12 दिन 76 साल एक महीना 12 दिन हो गए जो अगले साल बड़े हमने तो सरवन दादा अल्लाह रसूल की नायत रंग अल्लाह उसके रसूल की इज्जत की कसम कुरान मजीद की कसम शाह साहब के मिजार पे हाथ रख के मैं कहता हूँ कि ये सारे निजाम दम तोड़ रहे हैं और हुजूर का दीन तख पर आ रहा है। रहेगी बात आस्थाने की, यहाँ की शाह साहब की खिदमत में गुजारिश है कि क्योंकि आपके ये बच्चे हैं तो आप इनकी सलाह करवाएंगे, आप इनको बिठाएंगे एक पेज पे एक गुरसो, और किसी को ये इतराज नहीं होना चाहिए कोर्ट में जाके डीसीओ बीपीओ के पास जाके किसी को दरखास्त नहीं देनी चाहिए और ये ऐसा माहौल नहीं होना चाहिए जी। बिल्कुल सही, हमारी भी ख्वाहिश है कि ये सारे इकट्ठे, हमारी भी ख्वाहिश ये है उम्र के हिस्से में हमारी भी ख्वाहिश ये है कि ये सारे इकट्ठे, और इसके अलावा ये भी ख्वाहिश है कि जैसे ये ही नहीं शबीर शाह साहब रहमतुल्लाह की औलाद मुबारक नहीं
बल्कि पूरे पाकिस्तान के आस्ताने, पूरे पाकिस्तान के पीराने जान की औलाद को हुजूर अलैहिस्सलाम के दीन के साथ तहरीक रिपब्लिक पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म पे खड़ा होना चाहिए। मैं मर्फी एक लफ्ज भी नहीं कहना चाहता, वरना बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन मर्फी लफ्ज जुमला मैं नहीं कहना चाहता। हमारे लिए वही मोहतरम है, हमारे लिए काबिल एहतराम वही है, सिर्फ मेरे लिए नहीं पूरी उम्मत के लिए, पूरी उम्मत के लिए काबिल एहतराम वही आदमी है जो नबी अलैहिस्सलाम के गद्दारों के साथ खड़ा ना हो, हुजूर के वफादारों के साथ खड़ा हो। मुल्क पाकिस्तान में पीटी आई बल्कि पोटी आई, नून लीग, काफ लीग, पीपल पार्टी, इनका एजेंडा इस्लाम के गद्दारों के पास से आता है, वो इन्हें एजेंडा देते हैं। और तहरीक लबैक पाकिस्तान के पास एजेंडा मदीने के ताजदार का है, बाकी सारी जमातें पीपल पार्टी, नून लीग, काफ लीग और नून लीग वाले जिन्होंने गाजी मुमताज कादरी को फटे चढ़ाया, आशिक रसूल को, और फिर उन्होंने कहा जनाब मिर्जई और कादियानी साढ़े भैन भाई ने। भाई जरा बंदा कह रहा है मिर्जई कादियानी मेरा भैन भाई है, आप उसके साथ खड़ा होना चाहते हैं? और पीटीआई वाले जिन्होंने तहरीक लबैक पाकिस्तान के नहाते हुजूर अलैहिस्सलाम की इज्जत और नमूस के मुहाफ़िज़ों को गोलियां मार के जिन्होंने इनके सीने छलनी किए, शैलन की और इन पे तेजाब फेंके, आप उनके साथ खड़ा होना चाहते हैं? कम अज कम सादात किराम का मैं मुस्बत अंदाज में रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, पूरे पाकिस्तान के सादात से, सिर्फ अहमदाबाद के सादात से नहीं, पूरे पाकिस्तान के सादात की खिदमत में गुजारिश है कि भाई आप आलम कुफर की हमायत भी आपका पार्टियों की छोड़े और नबी अलैहिस्सलाम के दीन को तख्त पर लाने के लिए तहरीक लबैक पाकिस्तान का साथ दें। अल्लाह ताला आपको, मुझे, सबको नबी अलैहिस्सलाम की इज्जत और नमूस के तहफ्फुज़ के लिए, खत्मे नबूवत के तहफ्फुज़ के लिए तहरीक लबैक पाकिस्तान के प्लेटफार्म पर इस्तेकामत के साथ खड़ा रहने की तौफीक अता फरमाए। अभी तो वक्त आना है कि हमने बैतुल मक़सद में जुमा अदा करना है, अमीर की इक़्तदा में, और इंशाअल्लाह ऐसा भी वक्त आएगा कि कौन मकान तज़ीम करेंगे, जो भी कहेंगे दीवाने वो अहले खिरद तस्लीम करेंगे, आपके बरस हम गुलशन वाले अपना हिस्सा पूरा लेंगे, फूलों को तकसीम करेंगे, कांटों को तकसीम करेंगे। अगे तो गाजी मुद्दीन ते गाजी मुमताज कादरी जेल दे कंडे भी कला लै गया, ते नबी अलैहिस्सलाम ने दीदार दे फुल भी कला लै गया, लेकिन आपके बरस हम गुलशन वाले अपना हिस्सा पूरा लेंगे, फूलों को तकसीम करेंगे, कांटों को तकसीम करेंगे। अस्सलामुअलैकुम या रसूलल्लाह। ताजदारे खत्मे नबूवत।